महात्मा गांधी ने एक बार जोर देकर कहा था कि जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में कार्यरत हैं, उनको न्यूनतम वेतन लेना चाहिए। इसके उलट साल 2018-19 के बजट में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सांसदों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि शुरुआत में सांसदों के सदस्यों को कितना वेतन मिलता था? नहीं, तो हम आपको बताते हैं। साल 1921 में संसद के सदस्यों को दैनिक भत्ते के रूप में 20 रुपए मिलते थे, जो सन 1945 में बढ़कर 30 रुपए हो गए। इसके साथ ही वाहन भत्ता भी दिए जाने लगा, जो कि 15 रुपए था, जिसे एक साल बाद ही बढ़ाकर सन 1946 में 45 रुपए कर दिया गया। कई बदलावों के बाद वेतन में बढ़ोतरी होती गई। 1964 में मासिक वेतन 500 रुपए, 1985 में 1000 रुपए, 1988 में 4000 रुपए, 1998 में 5000 रुपए, 2006 में 16000 रुपए था। जिस प्रकार मासिक आय में बढ़ोतरी होती गई, ठीक वैसे ही दैनिक भत्ते में भी बढ़ोतरी होती गई। सन 1964 में दैनिक भत्ता 31 रुपए प्रति माह था, जो सन 1969 में 51 रुपए, 1983 में 75 रुपए, 1988 में 150 रुपए, 1993 में 200 रुपए, 1998 में 400 रुपए और 2001 में 500 रुपए कर दिया गया।